नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नहीं समय। लोकसभा के चुनाव है और हम बांदा चित्रकूट में बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ सम्मानीय मतदाता मौजूद हैं और आज हम कालिंदर क्षेत्र की तरफ आ चुके हैं और यहाँ जानेंगे कि इनका वोट कहाँ जा रहा है, किसको ये सांसद बना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। अशोक कुमार शुक्ला मेरा नाम है जी। तो अशोक जी, ये जानना चाहूंगा, शुक्ला साहब, यहाँ पर आप अभी तीन तीन उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे, तीन तीन पार्टियां बड़ी बड़ी उतरी हुई हैं, तो किस पर भरोसा कर रहे हैं आप? हम मयंक द्विवेदी जी पर कर रहे हैं। वो जिला पंचायत थे, सुख दुख में शामिल होते हैं। आर के पटेल हमारे यहाँ के सांसद थे, जीतने के बाद उन्होंने झलक तक नहीं दिखाई। अच्छा, तो आपका भरोसा मयंक द्विवेदी? हाँ, ये जिला पंचायत सदस्य थे, आते जाते हैं, जिनका हमारा व्यवहार लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इन्हीं को सपोर्ट करेंगे जी। अच्छा, आपका नाम क्या है? बाबू जी। किसको वोट करना चाहेंगे आप? हम बाबू जी मयंक द्विवेदी जी को कर। अच्छा, आपको भरोसा क्यों? हम भरोसा यह है कि हमारे तो नजदीकी हैं जी, आते जाते रहते हैं, परिचय है, तो हम नहीं गए अब जो पहले रहे हूँ जहाँ का नहीं, अब आऊ चुनाव आ जाता। अच्छा, अब आज 5 साल नहीं जहाँ के आऊँ, न कोई लोग को सुनाई करे, न कोई देखें कि कहा हुआ से कहा। लेकिन लोग तो कहते हैं बहुत विकास हुआ है। कहा हुआ है तुम्हें देख लिया, कहा हुआ है, आओ थे जाओ थे मान लिया जाकर समझो। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गया प्रसाद यादव। अच्छा यादव जी, इस बार आपका वोट कहाँ जा रहा है, किस पर भरोसा कर रहे हैं, यहाँ पर कौन विकास करेगा? हम भरोसा मयंक द्विवेदी पर कर रहे हैं और वोट हमारा जो है मयंक द्विवेदी पर जाएगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी है उनके तरफ से बहुत विकास हुआ है, मोदी योगी का यहाँ कोई भी विकास नहीं हुआ जी। अगर कोई विकास हुआ है तो कोई बता दे कि यहाँ खेरिया गांव में कोई विकास हुआ हो तो बता दे। कोई विकास नहीं हुआ ना, आज तक सांसद महोदय जी आए यहाँ 10 साल हो गए उनको, 2 पंचवर्षीय, यहाँ कोई नहीं आया। एक दिन अभी आए, पिछले 10 दिन पहले आए थे तो वोट मांग करके चले गए, तब से 10 साल पहले भी अब आउबे नहीं भी आए।